राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे अरसे तो विवादा विच है। इसका विरोध करने वालियां दी गिनती बहुत वड्डी है। विरोधी तूफानी लहर दे बावजूद आरएसएस ने लगातार अपना दायरा बढ़ाया है। बहुत सारे लोग अजिहे भी हन जिहड़े खुल के तो आरएसएस नाल नहीं आउंदे, पर अंदरों अंदर आरएसएस के प्रोग्रामां नूं सिरे चढ़ाउण विच पूरी सरगर्मी नाल योगदान पाते हैं। लगातार विकसित हो रहे आरएसएस ने हुण दिल्ली विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब बड़े जोशो खरोश नाल मनाया है। इस विच नामधारी संगत ठाकुर दलीप सिंह जी की अगवाई विच वध चढ़ के शामिल हो। लाओ देखिए एक कैमरा रिपोर्ट। परम सत्कारयोग श्री मोहन भागवत जी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी, परम श्रद्धे स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी सूरी साहब अते होर सारिया महान हस्तियां और साडे राष्ट्रीय सिख संगत दे प्रधान गेल साहब, इस तो बिना सारी परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, मैं इस मौके ते राष्ट्रीय सिख संगत अते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मैं उन्हां सारयां नूं बहुत वधाई देना कि आप जी ने सच्चे पातशाह दा गुरपुरब मना के एक बहुत ही वधिया काम कीता। बोले सो निहाल। इस समागम दे आयोजक मुख रूप विच गिल साहब दा मैं बहुत धन्यवादी हां जिन्हां ने मैनूं इत्थे आप जी दे दर्शन करन दा मौका दित्ता है। सत्कारयोग साध संगत जी, सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो। सच्चे पातशाह सर्व कला सम्राट सी, उन्हां वास्ते उन्हां दा जस कीता ही नहीं जा सकता, पर किसे कारण सच्चे पातशाह जी का एक पक्ष रह गया जेड़ा कि असीं उजागर नहीं कर सके। वह पक्ष है कि सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह साडे सिख पंथ वास्ते विशेष रूप विच और सारे भारत वास्ते विद्या दे दाते सन, जिन्होंने संस्कृत दे या औखे रचे ग्रंथां नूं आप कृपा कीती सरल भाषा विच या कवियां तों करवा के सारे पासीं करवाया। कमर कृपान और कर में कलम गहे, कमर कृपान और कर में कलम गहे, सिंह कविगण के समाज में सुहाग तो भारत की मृतक दशा को बार बार सोच, भारत की मृतक दशा को बार बार सोच, जीवन के जतन है सिखन बताव तो कुवरेश हंसराम मंगल की रचना को, कुवरेश हंसराम मंगल की रचना को शोध सेनापति से जो नकल कराव तो ऐसे दशमेश को बजाय। केवल राम अवतार दे विच 60 प्रकार दे छंद ने, उटंगण छंद, त्रिणलिंग छंद, जिन्हां दे असीं कदी नाम ही नहीं सुने। सो इस करके मेरी इन्नी बेनती है कि सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे इस पक्ष नूं वध तों वध उजागर करिए कि सच्चे पातशाह साडे विद्या दे दाते सन। अते दूसरी छोटी जी बेनती यह है सारे ही भारत वासियां नूं और विशेष रूप से सतगुरु गोबिंद सिंह जी दे सारे श्रद्धालुओं नूं कि सतगुरु गोबिंद सिंह जी दे तां सारे ही सिख सन, सच्चे पातशाह बाल अवस्था दे विच दोहां कुजियां ते अपने हस्तकमल रख के वचन कीता कि मैं हिंदुआं मुसलमाना सारिया दा। पीर बुद्धू शाह भी उन्हां दा सिख सी, भाई कन्हैया भी सी, नंद लाल भी सी, भाई मोहकम सिंह, दया सिंह, अमृतधारी भी सिख सन, ते उन्हां दे सारे ही सन। इस करके असीं कोई भी सच्चे पातशाह ते अपना कब्जा ना जमाइए, सच्चे पातशाह सारिया दे ने, उन्हां दी सिख्या मन के आपां सारे ही आपस विच इकट्ठे होईए, क्योंकि गुरबाणी विच हुकम है गुरमुख वैर विरोध गवावै। असीं नाम धर गए
ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।